हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय चैनल द नील अर्थ, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आजकल की व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबे समय तक एनर्जेटिक रहने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए फ्यूल का कार्य कर सकता है। गन्ने के रस में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसके सेवन से आप लंबे समय तक एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। इसको जिम या कोई अदर वर्क करने के बाद बॉडी को फिर से हाइड्रेट और तरोताज़ा करने के लिए गन्ने का जूस अदर ड्रिंक के मुकाबले बेस्ट होता है, और ये लीवर को डिटॉक्स करता है तथा जॉइंटेस यानी पीलिया में भी फ़ायदा देखने को मिला है। और ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो आपकी त्वचा के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। यानी कि ये आपकी स्किन को चमकदार बनाता है और होने वाले कैंसर से भी बचाव करता है, और यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाता है, तथा ये आपके इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाने में कारगर साबित हुआ है, क्योंकि इसमें सोडियम, कैल्शियम, वसा यानी फैट, विटामिन ए और विटामिन बी1, पोटेशियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है दोस्तों, तो इसे गर्मियों में पीने से बॉडी ठंडी रहती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स के असर को भी कम करती हैं। तो देखा दोस्तों, गन्ने का जूस आपकी प्यास बुझाने से लेकर कितनी समस्याओं में फ़ायदेमंद हो सकता है। अब इसके नुकसान की बात करें तो जिन लोगों को कफ रोग से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, तो वे लोग इससे ना लें, और जिन लोगों को वजन काफ़ी बढ़ा हुआ है तो वे लोग भी इसे अवॉइड करें, और फ्रिज में रखा हुआ जूस बिल्कुल ना लें, ताज़ा जूस ही पिए, 15 मिनट से ज़्यादा देर निकला हुआ ना पिए। और जो लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं वो लोग भी इसे अवॉइड कर सकते हैं, या अपने चिकित्सक से कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स गन्ने के जूस की संपूर्ण जानकारी। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।